बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं आपका मशहूर हूं। आज रेलवे की तारीख का बहुत बड़ा दिन है और सारी रेलवे, रेलवे का मजदूर अफसर और 20 करोड़ लोग चीफ जस्टिस साकब निसार साहब के तह दिल से मशहूर हैं कि उन्होंने वो काम किया जो कि 10 साल से रेलवे के हलक में अटका हुआ था। और आज सबसे बड़ी जो बात हुई है कि रॉयल पार्क, जो कि चीफ जस्टिस साहब को ये सारा केस अजबर याद था और उन्होंने कहा कि इसकी अलॉटमेंट भी गलत हुई और आपने इसको मिस यूज़ किया, और आज कोई बगैर किसी पुलिस एक्शन के, बगैर किसी कोई फोर्स के यूटिलाइज किए बगैर चीफ जस्टिस साहब ने आज रॉयल पार्क का जो है वो कब्ज़ा जो है वो ख़त्म करार दे दिया है कब्ज़ा ग्रुप से, और फर्गुसन वाले उसके ऑडिट करेंगे। सबसे जो अच्छी बात है रेलवे की तारीख की कि हमने 1451 केसेस दिए हैं जी। ये जो पेंडिंग है, स्टे पड़े हुए हैं मुख्तलिफ कोर्टों में, और मैंने अभी जीएम आफ्ताब साहब को, आफ्ताब अख्तर साहब को कहा कि इसका नोटिस लें। पहले हम 900 कह रहे थे, और ये नहीं है कि रेलवे में काली भेड़े नहीं हैं, जो काली भेड़े हैं हम उठा के बाहर फेंक देंगे। दिस इज़ अ डिसीजन ऑफ नॉट ओनली शेख रशीद बट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और 123 केसेस, अरबों रुपए के केसेस हैं जी। चीफ जस्टिस साहब ने जब देखा और एजाज़ुल अहसन साहब ने, वो शशदर रह गए और वो अगुश्ते बदंदा हो गए कि 123 केसेस साल आ साल से ऐसे पड़े हैं जिनका अरबों रुपया जिनकी वैल्यू है, और ये सारे केसेस लगे हैं। और ये रेलवे पे चीफ जस्टिस साकब निसार साहब का बहुत बड़ा एहसान है, और उन्होंने हमें ये कहा कि हम 3 साल से ज़्यादा ये लीज पर अब नहीं दे सकते, जरी यानी जो रेलवे, क्या कहा जी, रेलवे सरप्लस लैंड जो है किसी को बेच नहीं सकते। रेलवे की ज़मीन कोई इसमें हाउसिंग सोसाइटी या कॉलोनी नहीं बन सकती, और लीज़ के लिए उन्होंने सिर्फ 3 साल की हमें मोहलत दी है कि हम 3 साल से ज़्यादा मेरिट पर, और इंशाअल्लाह ताला मेरिट पर ही होगा, ये नहीं हो सकता कि मेरिट पर ना हो। लेकिन जो एक रेलवे पर तलवार लटक रही थी कि, और लोग, लाखों लोग जिनके कोई लाखों एकड़ हमारी ज़मीन है, वो समझे बैठे थे कि शायद अब हमारा कब्ज़ा हो जाएगा, और अच्छा, बहुत अच्छा फैसला दिया है कि एक शॉर्ट टर्म लीज़ जो है, जो सैकड़ों हज़ारों दुकानें भी हैं, जब 3 साल तक होगी तो कि सबका दिमाग ठीक रहेगा, और जब ये ज़मीनें जो हैं रेलवे की जरी सो उसके लिए उन्होंने 3 साल की लिमिट मुकर्रर की है कि इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। सो रेलवे से मेरी गुजारिश होगी ऑफिसर से कि वो मेरिट पर 3 साल की लीज़ के लिए जो लीज़ रुकी हुई हैं उस पर काम शुरू कर दें। और जो हमने कोचेज़ के टेंडर कैंसिल किया है, सिंगल टेंडर, उसका भी मैंने रेलवे के ऑफिसरों से कहा है कि वो फिल फॉर उसके मेरिट के टेंडर पर भी जाएं। और इसी तरह अगर फ्रेट वैगन में कोई कमी बेशी है तो उसके भी नए टेंडर में टाइम बचाएं, क्योंकि हमारे पास कोई कोच नहीं है जी। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि रेलवे की तारीख का ये आलम है कि मैं खुद एज ए मिनिस्टर DSS को लोग जब फ़ोन करते हैं तो DS जब मुझे कहता है जी कोई कोच जो एक्स्ट्रा भी लगाई थी वो भी ख़त्म हो गई हैं, और एक हम इंशाल्लाह ताला 2 VVIP ट्रेनें चलाने जा रहे हैं जी, मार्च से पहले, 23 मार्च से पहले उसकी पाकिस्तान रेलवे की तारीख में अच्छी उसकी टिकट की कीमत रखेंगे। 2 VVIP ट्रेनें एक दिन में और 2 मजदूर की ट्रेनें, 2 इकॉनमी की, टोटल इकॉनमी की ट्रेनें, और 2 टोटल जो है वो AC फुली कंडीशन, क्या कहते हैं उसे जी, AC बिजनेस की 2 ट्रेनें फुल चलेंगी जी, और 2 ट्रेनें जो हैं वो 1350 वाली जो
रहमान बाबा एक्सप्रेस इतनी कामयाब हुई है, मैं लोगों का मशहूर हूँ कि 144% ऑक्यूपेंसी है, मोहनजोदड़ो 150% ऑक्यूपेंसी है, रूई जो है 160% ऑक्यूपेंसी है, और वो 20 ट्रेनें जो हमने चलाई थी, एक आधी रेल कार को छोड़कर या एक आधी रेल कार, वो भी हमने उसको मुनासब पब्लिसिटी नहीं दी, ओवर 100% ऑक्यूपेंसी पे चल रही हैं। अल्लाह का शुक्र है, अजान हो रही है, अल्लाह हमें हमारी मदद करें। और फ्रेट ट्रेनें जनाब हमने कौम से वादा किया था कि ये 8 से 10 करेंगे और 10 से 15 करेंगे, कल हमने कराची में फैसला किया जाके 20 करेंगे जी इस साल में। और जिस दिन अल्लाह की अजानें गवाह हैं, अल्लाह हमारा हाथ पकड़े नबी के सदके में, पाकिस्तान रेलवे में 20 फ्रेट ट्रेनें चल गई, पाकिस्तान रेलवे सिर्फ अल्लाह का मोहताज होगा, किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी, अल्लाह की मदद की ज़रूरत होगी और इसको खसारे से निकालेंगे। और ML1 भी आखिरी स्टेजेस पर है, अभी मैंने रेलवे के अफसरों से, हमने एक सुप्रीम कमेटी बना दी है जी 7 रुकनों की, क्योंकि वहाँ लोग तंग करते हैं, जो हर रोज़ जुमा 2 बजे के बाद बैठते हैं 5 बजे तक, 3 घंटे ये 7 जो ऑफिसर्स हैं जिन जो अथॉरिटी रखते हैं, इन्हें कहा है जी आप ही फैसला करें, वजीर के फैसले का इंतज़ार ना करें, यू आर कम्पिटेंट, और मैंने इन्हें ऑथोराइज़ किया 7 अफसरों को कि ये इन्वेस्टमेंट का, ये किसी चीज़ का फैसला कर सकते हैं। और अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह ताला बेहतरी आएगी, और इस बेहतरी के लिए ML1 मेरी ज़िंदगी का ख्वाब था 12 साल पहले भी, मैं स्टैंडर्ड गेज पे जाना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान रेलवे ब्रॉड गेज पे गई है, मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन ये मेरी जो सोच है मैं उस पर इनको इत्तफाक नहीं दिला सका, और ये ब्रॉड गेज पर ही 160 की मिनिमम स्पीड और 260 की मैक्सिमम स्पीड की ट्रैक बिछाया जाएगा, सारा नया ट्रैक होगा कराची से पेशावर तक, और जब ये ट्रैक यहाँ से उखेड़ा जाएगा तो ये ट्रैक हम दूसरे जो जगह हैं उन पर इस्तेमाल करेंगे। लास्ट KCR पे हमने लोगों को 25 दिन का नोटिस दे दिया है कि खुदा के लिए अपनी मुतबादल जगह का इंतज़ाम कर लें, हम आपको अगर आज KCR की ज़मीन खाली ना हुई तो ये ज़िंदगी भर कभी कराची में KCR नहीं चल सकेगी। मैं तमाम मुतलका लोगों को वार्न करता हूँ, और हम लैंड देने के लिए तैयार हैं जी रेलवे की, सिंध गवर्नमेंट इनको आबाद करें, हमारे पास लैंड है कराची में, ज़रा दूर है, लेकिन आबाद करना सिंध गवर्नमेंट का काम है। मैं आप सब लोगों का मशकूर हूँ, और मैं अब रेलवे वालों का भी मशकूर हूँ, अफसरों का भी और मज़दूरों का भी, और पहले दिन से मेरी रेलवे के मज़दूरों से कमिटमेंट है, इंशाल्लाह सारे रेलवे के मज़दूरों को एक स्केल के इजाफा करवा के जाऊंगा इंशाल्लाह ताला। सर आपने रॉयल पाम का तो बड़ा अच्छा स्टेप लिया आज, और ये कामयाबी भी हुई रेलवे को, एक और केस जो बड़ी देर से पेंडिंग चला आ रहा है वो बिजनेस ट्रेन के आउटस्टैंडिंग है, उसके बारे में। बिजनेस ट्रेन और शालीमार का आपको बताया बार बार, आपको दोनों केस नैब को भेजें, टाइम ही नहीं मिलता रेलवे में, मैं उनको खुद परसू करूंगा, शालीमार को भी, मैंने रॉयल पार्क का आपसे कहा था, आज कोई टीयर गैस नहीं चली, कोई कब्जा लेने के लिए कोई कमाल नहीं हुआ, और फर्गोसन को उसका मिल गया, वो सारे ऑडिट करेंगे, कैश करेंगे, और हम मुझे तो केस लड़ने की ज़रूरत ही नहीं, चीफ जस्टिस साहब को सारा केस अजबर खुद ही याद था, और उस काफ़ी मैं उनकी याददाश्त को भी सलाम पेश करता हूँ कि सारा केस उनको याद था, और उन्होंने आज एक तारीखी फैसला दिया, और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह शालीमार ट्रेन का भी, और ये शालीमार एक्सप्रेस हॉस्पिटल का और बिजनेस ट्रेन का केस दोनों हमने नैब में भी भेजे हैं और चीफ जस्टिस साहब के पास भी हैं, कल मैं खुद दोबारा उनके उनके कोर्ट में इंशाल्लाह हाजिर हूँगा, और अल्लाह बेहतरी के। जिसके भी दौर में हुआ था, अगर मेरे दौर में इस दौर में भी कोई हुआ तो आईन और कानून के शिकंजे में आना चाहिए, ये नहीं है मेरे, मुझे तो और भी बड़ा दर्द है, रेलवे ने मुझे केस नहीं दिए, मैं तो रावलपिंडी तहजीब बेकरी का केस भी देना चाहता हूँ, अरबों रुपए की जायदाद है, और वो फलक नाज टावर कराची का और पेशावर का और हयात रिजेंसी में, देखें लोगों ने, ये नहीं हो सकता कि इसमें रेलवे के लोग मुलव्वस नहीं होंगे, ये सारा काम ताली दो हाथों से बजती है, एक हाथों से नहीं बजती,
और उस वक्त का जो जीएम था, बेशक जो भी था, और उस वक्त के जो चेयरमैन था, मिनिस्टर था, ही शुड बी ट्राइड। ये तो नहीं हो सकता कि हमारी खाला का बेटा है। थैंक यू जी बेटे। रेलवे का सवाल है, फिर मैं इनसे इजाजत दिए। अभी मैं उस, ठीक है जी, आप अफसर में, थैंक यू। अब मैं उसका जवाब अब मैं दे लेता हूँ। पहले मैं खुद जवाब देता हूं, मैं ऐसे सवालों का जवाब नहीं देना चाहता। अब वो उस पर उन्होंने कल सुप्रीम कोर्ट में केस किया कि ये 40 करोड़ के नहीं थे। आपको कागज मिल गए हैं सारे? ये 104 रुपए के हिसाब से 48 करोड़ रुपए के हैं। मैं तो लिहाज में ही मारा जाता हूं। मैंने तो 40 करोड़, आज मैंने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जारी कर दिया है, 48 करोड़ के पहले थे जी। अब जो आ रहे हैं आएंगे वो 63 और 64 करोड़ रुपए के हैं। 134 रुपए का आप हिसाब लगा लें, उस पर ड्यूटी लगा लें। ये 48 करोड़ रुपए मैंने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इसलिए रिलीज कर दिया है कि उन्होंने कल सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ये 40 करोड़ के नहीं है। ठीक कहा उन्होंने, 40 के नहीं है, 48 के हैं, है जी। और 40 के नहीं है, ये 62-63 करोड़ के हैं, क्योंकि 134 के हिसाब से करो तो ये 63 करोड़ का एक लोकोमोटिव है, 104 के हिसाब से करो तो ये 48 रुपए का है। और अगर वो कहेंगे तो ऊपर के डॉक्यूमेंट भी मैं जारी कर दूंगा। मैं नहीं चाहता कि मिनिस्टर किसी के खिलाफ नैब में पेश हो, ऑलरेडी केस नैब में लगा हुआ है। पाकिस्तान में हर रोज बड़ी खबर होती है जी। पाकिस्तान का मीडिया ना भी बड़ी हो तो बड़ी बना देता है, ये इसमें कमाल है। और मैंने सबसे बड़ी खबर ये थी कि मेरे तहफ़ात थे पब्लिक अकाउंट कमेटी में, और आज भी मैं सोच रहा हूँ। पहले मैं खान साहब से, कल मुझे बताना याद नहीं रहा, कल मेरी दो दफ़ा मीटिंग हुई उनके साथ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊँ पब्लिक अकाउंट कमेटी की अपॉइंटमेंट के खिलाफ। सर मुझे तो कहेंगे, जिसके बारे में कहेंगे मैं ऑर्डर कह दूंगा। राणा सनावला बदबूदार आदमी है, मुझे रुमाल ला के आना पड़ेगा। जिस दिन बदबूदार आदमी का सवाल करना हो तो मुझे बताएं, मैं आ गई, मुझे फ्लू है, मैं रुमाल लेके आऊं ताकि बू ना फैल जाए। ये बदबूदार लोग जो हैं, जिन्होंने इस मुल्क में ये मालशिये और ये मिरासी टाइप के सियासतदान जो हैं, जिनको सूझ ही नहीं रहा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं देखें ख्वाजा साद रफीक के खिलाफ मैं कभी बयान ना देता। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा है, उन्होंने मुझे क्योंकि मुस्तरद किया और मुझे एक गलत बयानी, इसलिए मैंने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट डरा। जिस चीज का कोई रेलवे में ये कहेगा कि शेख रशीद गलत कह रहे हैं, आपको पता है सरकारी अफसर दस्तखत नहीं करते। मैंने कहा भाई असल पेपर पे, ये आपको असल पेपर मैंने निकाल दिया। वाजिद ज़िया को शाबाश देने की जरूरत नहीं है, 20 करोड़ लोग उनको शाबाश दे रहे हैं। मेरे देने से तो समझेगा कि मेरे, मुझे मिलके गए हैं मेरे इलाके के आईजी हैं मरी के, मेरे पड़ोस के, तो ऑफ कोर्स उनका रेलवे में आ जाना ही जो है उनको शाबाश। और अभी और भी ठीक होंगे हालात। मैंने आपसे 100 दिन की मोहलत मांगी थी, 100 दिन पूरे हो गए। वो कौन है मुर्तजा वहाब? देखिए मैं सीनियर मोस्ट सियासी वर्कर हूं पाकिस्तान का, मैं नंबर वन से लड़ता हूं और नंबर वन से दोस्ती करता हूं। ये ब्रांच लाइनें जो है ना, ये मैं टेलर जो चलते हैं सियासी सियासी वैसी कि मैं कौन, ये भी मैराथन रेस में भागा था। नंबर वन टू की मैं आपको जानती हैं आप बेटे मुझे, आई ऑलवेज विद स्पोर्ट नंबर वन एंड आई ऑलवेज अपोज नंबर वन। मैं ये हल्की फुल्की मौसीकी पे,
जरदारी साहब खुद कहते हैं कि जेल मेरा ससुराल है तो मुझे फ्यूचर बताने की क्या। जरदारी साहब ने तो मेहंदी शेंदी लगाई हुई है, झूमर पहना हुआ है। 2019 दुनिया की तारीख का अहम तरीन साल है, शेख रशीद ये भी पेशन गोई कर रहा है, दुनिया ए सियासत का अहम तरीन साल 2019 है और इसमें पाकिस्तान की सरहदों पर मोदी छेड़ सकता है, सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, क्योंकि उसे 5 रियासतों में जो शिकस्त हुई है और जो गौ माता के हलकों से वो हारा है वो गौ माता के वोटों को अट्रैक्ट करने के लिए कर सकता है। और पाकिस्तान की इकॉनमी में अल्लाह ने अगर हमारा हाथ पकड़ा तो इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों, करप्ट, डिसऑनेस्ट, स्लगिश, नॉनसेंस, एक्स्ट्रा वेगेंट लोगों ने जो नोचा है हमारे माशी चेहरों को, ये जो माशी गद्दार हैं जिन्होंने खजानों को तबाह किया, इंशाल्लाह इमरान खान की क्यादत में इस साल कामयाब हो जाएंगे इसको ठीक। देखें ये 100 दिन पीटीआई के थे, मैं आपको पहले यार आप ये गलत बात कर रहे हैं। देखें मैं तो पहले दिन से ये राय रखता था 100 दिन तो देखें जी, एक जिमनी इलेक्शन लड़ो, एक महीना लोगों के शुक्रिया अदा करो तो 100 दिन पूरे हो जाते हैं यार। मैंने पहले दिन जिनसे ना आपको यहाँ आके मैंने लेट लिया, मैंने आपको कहा 30 दिसंबर तक मैं आपको रिजल्ट दूंगा, लेकिन मेरा टारगेट अल्लाह के हुक्म से एक साल है, मुझे 100 दिन के लिए तंग ना किया जाए। देखें इमरान मेरा भाई है, मैं पाकिस्तान में इमरान खान की कामयाबी को पाकिस्तान की जरूरत समझता हूं। लोग आते हैं और चले जाते हैं लेकिन इमरान खान जिस वक्त में आया है नहायत क्रूशल टाइम है, क्योंकि चोर यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं और जब चोर इकट्ठे हो रहे हो तो चौकीदार का किरदार बड़ा अहम होता है। इमरान खान का किरदार बड़ा अहम है, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। मैं दिल से नफरत करता हूँ, वो बदबूदार कहता है कि मेरा केस है, मैंने जिंदगी में कभी परचेज ही नहीं की, कभी नहीं आप सुने गए हथौड़ियों से ये मैंने 20 ट्रेनें चलाई हैं, कोई ऐप मुजाहिद आके चला के बताया। और रेलवे के मजदूरों को सलाम करता हूं, एक रुपए की परचेज नहीं की, एक रुपए की परचेज नहीं की जनाब, और ये 20 ट्रेनें चलाई हैं और मैंने आपसे वादा किया इस साल में भी 20 ट्रेनें चलाऊंगा। मैं हर वक्त खोज में लगा रहता हूं, अभी मैं आर्मी की एक 50 गाड़ियां खड़ी हैं उस चक्कर में हूं, मैं बाजवा साहब से कहूं जी कि आए फौजी ट्रेन भी चलाएं, वो 10 साल से खड़ी पड़ी हैं 49 कोचेस, सो उसका 110 का है उसको हम ठीक कर लेंगे। मैंने पूछा इंजीनियरों से, कहते हैं 110 को 120 में कन्वर्ट करना, बजाय इसके कि वो हमें मेंटेनेंस के पैसे दें हम उनको पैसे देंगे अर्न करके, और आपको कह 2 वीवीआईपी ट्रेनें चलाएंगे, टका के पैसे लूंगा उससे, मेरा कोई मसला नहीं है भाई, मेरा वोटर है जब चाहूं कर सकता हूं। शेख साहब जी जो 662 को भाई मेरे कॉलेज का स्टूडेंट है मुझसे जूनियर, मेरा मैं उसको सब पता है, घबराए नहीं आप, शेख साहब ये जो मुझे नहीं पता, शेख साहब रेलवे सिस्टम पे जो 662 खराब कोचें पड़ी हैं उनकी बाली के लिए कोई फंड देंगे उनको? फंड तो है कोई नहीं हुजूर, ये रेवेन्यू अल्लाह का शुक्र है बढ़ गया, रेवेन्यू से चला रहे हैं। कभी आपने सोचा था कि 12-12 करोड़ रुपया एक एक दिन की टिकट सेल हो जाएगी? अगर हमारी ये 10 ट्रेनें चल गई और या 5 भी और चल गई और अगर हमें 25 करोड़ का टारगेट रोज का मिल जाए इंशाल्लाह रेलवे चल जाएगी। देखें पिछली दफा भी आपने ये सवाल किया था, मैंने यही जवाब दिया था कि उनको 7 साल हो रही है ना तो हमें 14 साल होना चाहिए। मुझे आवारा कलाशन कोफ में 7 साल हो गई, इनको अरबों रुपए की डकैती पे ऐसे ही जेल के बर्तन खराब करने के लिए इनको भेज दिया है, और भेज भी दिया जाओ वहां जाके मजे करो घर के तड़के। खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, क्या किया उसने तलब, ये सारे देखो मैं जो आपको कह रहा हूं पहले दिन से, शहबाज शरीफ विकेट के दोनों तरफ खेल रहा है, नवाज शरीफ आज इस मुकाम पे इसलिए पहुंचा है कि उसने शहबाज शरीफ की नहीं मानी, उसकी गोटी फिट है, मैं 3 दफा तो नहीं एक बयान दे सकता, उसके हाथ आ जाएगा तो क्या। देखें नवाज शरीफ खानदान की सियासत जो है
अल्लाह के फैसलों का मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं जरदारी खानदान और नवाज शरीफ की खानदान की सियासत नहीं देख रहा। देखें फवाद चौधरी का सवाल मुझसे ना करें, मुझे रेलवे का मैं वजीर। दुनिया ए सियासत का अहम तरीन साल, मैंने बेनजीर भुट्टो के बारे इलेक्शन पे पहले कहा था कि खूनी इलेक्शन होगा, तो उन्होंने मुझे बुला लिया था। ये ना हो कि इस बयान पे कल मुझे बुला लें। सियासत में हादसे हो सकते हैं, दहशत गर्दी के वाकयात हो सकते हैं। खुद मुझे लाहौर से अगवा करने की कोशिश की गई पिछले से पिछली दफा, या मैं तो रजामंदी से तैयार था। तो देखें मसला ये है, आधी जिंदगी उन्होंने हराम की दौलत कमाने में खर्च कर दी, आधी दौलत छुपाने में खर्च कर दी, जो रह गई वो बचाने में खर्च कर दी। खाना बंदे ने ये दाल चावल ही होते हैं जो वहां खा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन, देखें ये सारी अपोजिशन अंदर से मिली हुई है, लेकिन कुछ नहीं हो सकता। इमरान खान वक्त की जरूरत है, और इस मुल्क की ऐसे वक्त में आया इस मुल्क में कि एक करप्शन से पाक शख्सियत की जरूरत थी। हमारे फैसलों में गलती हो सकती है, लेकिन कोई गुंजाइश नहीं है। देखें मैं उसका वजीर हूं, मैंने पब्लिकली इतनी जुर्रत रखता हूं, मैंने कहा कि शहबाज शरीफ का पब्लिक अकाउंट का चेयरमैन बनाना आइन और कानून के मुनाफी है। यानी यो जाहिर है वो फ्लैग लगी गाड़ी, ही इज ए फेडरल मिनिस्टर नाउ, और कल अगर वो नैब को और एफआईए को और कल वहां आईजी इस्लामाबाद को बुला लेता है, तो उन्होंने तो सलूट मार के उसका दरवाजा खोलना है ना। ये कैसे बर्दाश्त हो सकता है कि जिस कॉलोनी में शेख रशीद रहे वहां शहबाज शरीफ रहे, ये ना रात को मैं कोठा फुलांग के चला जाऊं। थैंक यू वेरी मच।